बस हो गया। चलिए देखिएगा, साधन और सिंचाई। जल क्या है तुम्हें तो बताना नहीं। जल एक प्रकार का यौगिक है। जल एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। यौगिक मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। जल किसके मिलने से बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। जल एक प्रकार का यौगिक है। और आप जानते हैं जल की महत्ता कितनी है हमारे इस जीवन को लेके, और अभी का जो आज का दिन है, समझ गए, इसका इंपॉर्टेंस आपसे बेहतर को बता सकता नहीं है। इतना गर्मी में जल एक प्रकार का यौगिक है। इस पृथ्वी पे बात कीजिएगा ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से, इस पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग पे, कितना प्रतिशत? 71%, एग्जैक्ट की बात करें 70 नहीं, 71% भूभाग पे क्या है? जल है। और 29% पे क्या है? स्थल है। 29% पे क्या है? स्थल है। हमारी इस पृथ्वी पे 71% जल है, 29% आपका स्थल है। इस 71% जो जल है, इस 71% में मात्र पीने योग्य जो पानी है, मात्र 2.5% पीने योग्य पानी है। सुनिएगा, इस पृथ्वी पे महासागर, महानदियां, जितने भी नदी है, जल है, तालाब है, कुआं है, नलकूप है, इस सारे के सारे जो नल हैं, जल हैं, इस सारे के सारे जल के स्रोत जो है, सबको मिला के अगर बात कीजिएगा तो हमारे पृथ्वी पे कितने प्रतिशत जल है? 71%। और 71% का मात्र बोले तो, अगर पानी को हम 100% मान ले, पानी को कितना मान ले? 100% मान ले, जितना पानी है उस पानी का मात्र 2.5% ही क्या है? पीने योग्य पानी है। मात्र पीने योग्य पानी क्या है? मात्र 2.5% ही है। और इत्तेफाक की बात है, 2.5% पीने योग्य पानी है हमारे भारत में नहीं है, ये पूरे के पूरे विश्व में है। इस 2.5% का मात्र 4% हमारे भारत में पीने योग्य पानी है। और ये 4% पानी पीता कितना है? 17% जनसंख्या। अभी की बात कर दें तो लगभग 18% जनसंख्या। अभी कितना प्रतिशत जनसंख्या? 18% जनसंख्या। सुनिएगा क्या बोले आपको, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसको आप कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। बोले कि इस पृथ्वी पे 71% क्या है? जल है। और 71% जल को हम पूरे का पूरा जल को हम मान लेते हैं 100%। इस 100% जल का मात्र 2.5% जल ही क्या है? पीने योग्य है। बाकी 96.5% जो जल है ये कहां है? महासागरों में है। कहां है? महासागरों में है, जो आपका खारा पानी है। कैसा पानी है? खारा पानी है। और खारा पानी आप पी सकते नहीं है। पीते हैं क्या? खारा पानी आप पी नहीं सकते। तो पीने योग्य जो पानी है मात्र 2.5%। और ये 2.5 को जितना इस पृथ्वी पे पीने योग्य पानी है उसका मात्र 4% हमारे देश में है। लेकिन इस पृथ्वी पे जितना मनुष्य है ना, उस मनुष्य का लगभग 18% मनुष्य हमारे भारत इस धरती पे रहता है। मतलब पानी 4% और पीने वाला कितना? 18%। इस पृथ्वी पे जितना पानी पीने योग्य है उसका 4% हमारे पास, लेकिन इस पृथ्वी पे जितना मनुष्य है उसका मनुष्य कितना प्रतिशत? 18% मनुष्य हमारे इस पृथ्वी पे है, यानी इस भारत में है। अब आप सोच सकते हैं पानी कितना बचाना है। आराम से इस गर्मी के सीजन में एकदम पानी चलाइए, कम से कम 1.25 घंटा तक स्नान कीजिए, समझ गए? एकदम जल ही जीवन है। पूरा का पानी पानी क्या कीजिए? बर्बाद कर दीजिए। पानी को पानी बना दीजिए, नहीं कहते पैसा को पानी बना दिया, पैसा को पानी की तरह बहा रहा है। पानी भी आजकल क्या है? बहुमूल्य है। अभी जाइए मार्केट में, पानी यहां से लेके वहां तक दुकान में स्टॉक ही नहीं, समझ गए? अभी पानी का स्टॉक ही नहीं, ऊपर से गया तो गर्म पानी, अभी हम खुद मंगाए उधर मिला ही नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं कितना बहुमूल्य है। तो इतना आप पानी का सेव कीजिए, हम लोग का एक नागरिक का दायित्व है कि आप इस 4% को बचा के रखिए आने वाले जनरेशन के लिए, समझ गए? तो जल संसाधन, समझे जल संसाधन को? और ज्यादा इसके बारे में कुछ जानना आपको है नहीं। अब पढ़ना है सिंचाई। अब क्या पढ़ना है? सिंचाई। अब पढ़ना है हम लोगों को सिंचाई। सिंचाई किसको कहते हैं? सिंचाई कहते हैं कि अगर किसी फसल में पौधे को कृत्रिम तरीके से, पौधे को कृत्रिम तरीके से जल देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है।
पौधे को कृत्रिम तरीके से जल देना सिंचाई कहलाता है। मान लीजिए अभी बारिश का समय नहीं है, हम लोग फसल बो दिए, बारिश पड़ गया, तो खेत का सिंचाई हुआ क्या? खेत का सिंचाई हुआ नहीं हुआ। पौधे को जब कृत्रिम तरीके से हम जल देते हैं या नलकूप लगा के या तालाबों से पानी लेके देते हैं, अगर जब पौधे में हम कृत्रिम तरीके से जल देते हैं तो वो क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। हमारे भारत में तीन प्रकार की सिंचाई योजना है। हमारे भारत में आप जानते हैं सिंचाई बहुत प्रकार से, नलकूपों के द्वारा, नहरों के द्वारा, कुओं के द्वारा, तालाबों के द्वारा, समझ गए, बहुत प्रकार से सिंचाई होता है। तो सिंचाई योजना को हम लोग कितने वर्गों में बांटे हैं? तीन वर्गों में बांटे हैं। एकदम ज्यादा पढ़ाएंगे इन्हें, एकदम हल्का हल्का चीज पढ़ाएंगे, समझ गए। एप्पल वाइ कैप्सल, प्रेशर दिमाग पे लेना नहीं है, अगर प्रेशर लीजिएगा और पसीना बहेगा, तो प्रेशर दिमाग में नहीं लीजिएगा। सुनिए, हम बोले सबसे पहले सिंचाई योजना कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। सिंचाई योजना कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। मतलब पौधे में कृत्रिम रूप से जल देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। पौधे में कृत्रिम रूप से जल देना या फसल में कृत्रिम रूप से जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई योजना तीन प्रकार का, और सिंचाई किस किस तरीके से होता है तो आप जानते हैं। तो सिंचाई सबसे पहला होता है बृहद सिंचाई योजना। बृहद सिंचाई योजना क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछ देता है, बृहद सिंचाई योजना। उसके बाद दूसरा होता है मध्यम सिंचाई योजना। दूसरा कौन सा? मध्यम सिंचाई योजना। और तीसरा होता है लघु, लघु या सूक्ष्म, लघु या सूक्ष्म सिंचाई योजना। सिंचाई योजना कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। बृहद सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना और लघु या सूक्ष्म सिंचाई योजना। वैसा सिंचाई योजना जिसके अंतर्गत हम, वैसा सिंचाई योजना जिसके अंतर्गत हम 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन को, 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को क्या करते हैं? सिंचित करते हैं या सिंचाई करते हैं। वैसी योजना जिसके अंतर्गत जिसके सहायता से हम 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा के जमीन को क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। उस प्रकार की सिंचाई योजना को हम क्या बोलते हैं? बृहद सिंचाई योजना। जैसे आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा नहर योजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, है ना। भारत का सबसे बड़ा नहर जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से तो देखिए सिंचाई होता है ना। तो इंदिरा गांधी नहर को जो हम बनाए सिंचाई के लिए बनाए, तो उससे 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि को, क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है किस सिंचाई के अंतर्गत आया? बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत। हम कहते हैं आप लोग बोरिंग डलाते हैं, बोरिंग जी जिसको कहते हैं नलकूप, नलकूप से आप 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा हमको लगता है एकदम ज्यादा से ज्यादा बहुत कीजिएगा ना, 100 बीघा कीजिएगा, बहुत ज्यादा कीजिएगा। कितना बीघा? 100 बीघा। तो हम उसको बृहद सिंचाई बोल सकते हैं, बृहद सिंचाई योजना बोल सकते हैं। नहीं तो दूसरा आता है मध्यम सिंचाई योजना। वैसा सिंचाई योजना जिस योजना के तहत 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक, कितना हेक्टेयर तक? 10,000 हेक्टेयर तक। 10,000 तो लिखिए देना जी, 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि का हम क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। वैसी सिंचाई योजना को हम क्या बोलते हैं? मध्यम सिंचाई योजना। वैसी सिंचाई योजना जिसके अंतर्गत हम 2,000 हेक्टेयर से लेके 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि का सिंचाई करते हैं, उस योजना को बोलते हैं मध्यम सिंचाई योजना। और लघु सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना में छोटे छोटे नहर आते हैं, छोटे छोटे नहर, छोटे छोटे बांध, समझ गए। और लघु या सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम की भूमि का अगर हम सिंचाई करते हैं तो वो किस प्रकार की सिंचाई योजना कहलाती है? लघु या सूक्ष्म सिंचाई योजना। इसके अंतर्गत आपका आता है वही बोरिंग, नलकूप, तालाब, कुआं, ये सारा का सारा जो आता है किसके अंतर्गत आता है? ये सारा का सारा अंतर्गत आता है आपका लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत। तो सिंचाई योजना कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। बृहद सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना और लघु सिंचाई योजना। बोलेंगे पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है? 71%। इस 71% में जितने जल है, जल में पीने योग्य जल कितने हैं? 2.5। और जितने इस पृथ्वी पर पीने योग्य जल है उसका भारत में कितना प्रतिशत पीने योग्य है? मात्र 4% है, लेकिन पीने वाला कितना है? 18%। पीने योग्य जल 4% है और पीने वाला कितना है? 18। सीधा समझिए इस जगह 4 बोतल जल है और आप लोग 18 व्यक्ति बाहर वेट कर रहे हैं पीने के लिए।
कितना व्यक्ति वेट कर रहे हैं? 18 व्यक्ति। तो वही आगे चलिए, सिंचाई योजना को 3 वर्गों में। अब भूमिगत जल, जल भी 2 प्रकार का होता है। जल भी कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। आप कहिएगा जल भी 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला वैसा जल होता है, पीने योग्य जल 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा जल पीने योग्य? 2 प्रकार का। एक जल ऐसा होता है धरातलीय जल। कौन सा जल? धरातलीय जल। और दूसरा होता है भूमिगत जल। दूसरा कौन सा होता है? भूमिगत जल, या इसी को हम लोग बोलते हैं भौम जल। इसी को क्या बोलते हैं? भौम जल। भूमिगत जल का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां में है? उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन में आया था, समझ गए। वही है धरातलीय जल। एक जल वैसा होता है जो धरातल पे पाया जाता है, वैसा जल जैसे आप तालाब में देखते होंगे जल धरातल पे है, नदी में आप देखते हैं दिखता है वैसा जल जो आपको दिखता है तालाब में, देखिए कुआं में, देखिए नदी में, देखिए वो सारा का सारा कैसा जल है? धरातलीय जल है। भूमिगत जल वैसा जल जो जमीन के अंदर है, जो आपको दिखता नहीं है, उसी को हम भौम जल बोलते हैं या भूमिगत जल बोलते हैं। जैसे आप नलकूप दिए नीचे, एकदम गड्ढा करते गए, गड्ढा करते गए, और गड्ढा करने के बाद नलकूप गलाए, चापाकल से जो पानी निकलता है किस प्रकार का जल है? भूमिगत जल है। और जितना ज्यादा आप पानी निकालिएगा भूमिगत जल से, तो जमीन के अंदर एक लेवल है। जैसे आप 80 फीट जगह जगह पे, जैसे आप गहराई जाते जाइएगा, कहीं 80 फीट पे आपको क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा। कहीं 200 फीट बाका चले जाइए, 100 150 200 फीट गलाने के बाद भी पानी निकलता है निकलता है, इसका कोई गारंटी लेगा नहीं। लेकिन आप गंगा के किनारे चले जाइए तो भूमि जल यानी भौम जल, इसी को बोलते हैं। सर उस दिन बोल रहे थे भौम जल, भूमिगत जल का स्तर कहां चले गया? नीचे चले गया। और भूमिगत जल का स्तर अगर नीचे चले गया, ये हम लोगों के लिए क्या है? एकदम पूरा टेंशन वाली बात है। जैसे देखिए आपका यहाँ का मोटर चला ही नहीं, सर को एक्स्ट्रा पानी बाहर से खरीद के लाना पड़ा। तो धीरे धीरे ऐसा सोचिए, ये पूरा का पूरा देश में होगा ना, अगर भूमिगत जल नीचे गया तो कहीं ना कहीं से तो जल निकला, और कहीं ना कहीं से निकला तो भूमि का लेवल कहां से जाएगा? जल का लेवल नीचे जाएगा। और आए दिन जैसे जैसे पर्यावरण बदलेगा, भूमिगत जल कहां चले जाएगा? नीचे जाते रहेगा। आगे प्रॉब्लम आएगा सिंचाई का, आगे प्रॉब्लम आएगा पीने योग्य पानी का। आप जाइए, पिछले बार गर्मी का बात है, चेन्नई भेजा जा रहा था ट्रेन में, डब्बा में वो पेट्रोल वाला पानी होता है ना, पेट्रोल वाला डब्बा, उसमें पानी भर भर के चेन्नई भेजा जा रहा था पीने योग्य पानी को। हमारे इस उत्तर भारत से जा रहा था पीने योग्य पानी ट्रेन में भर के, और पानी ऐसे जाता था। दुबई जाइए, वहां पता चलेगा पानी का कीमत क्या है। दुबई सिर्फ साफ पानी के लिए अपने दुबई से लेके हमारे भारत तक अंडर वाटर टनल बना रहा है, एकदम यहां से बुलेट ट्रेन जाएगी, वो हमको तेल देगा, हम इधर से पानी भेज देंगे। बस इतना ज्यादा व्यापार जो होगा इस चीज को लेके। और बहुत सारा रीजन है, सिर्फ वही रीजन आपका नहीं है। तो आप जल के संसाधन को जाने, समझ गए। इसके बाद आप जानिए कि भारत में जो है सिंचाई होता है बहुत प्रकार से होता है। एक सिंचाई होता है आप नहरों के द्वारा, समझ गए, एक नहरों के द्वारा होता है, तालाबों के द्वारा, कुओं के द्वारा। और भारत में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होता है कुआं और नलकूप के द्वारा होता है। आप लोग सोचेंगे नहरों के द्वारा, नहरों के द्वारा सबसे ज्यादा। हम कहते हैं आपके गांव में नहर के द्वारा सिंचाई होता है, नहीं आप ज्यादा नलकूप बोरिंग से करते होंगे। तो भारत में जो सबसे ज्यादा होता है, क्या कहते हैं, सिंचाई होता है नलकूपों और कुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नलकूपों और कुओं के द्वारा। भारत का जितना भी सिंचित भूमि है, अब समझिए एक वर्ड आया सिंचित भूमि, वैसा भूमि जहां जल है, जहां के भूमि में क्या है? जल है, यानी जल का मात्रा है, उसी को हम क्या कहते हैं? सिंचित भूमि बोलते हैं। जितने इस भारत में सिंचित भूमि है, सिंचित भूमि का लगभग 61.58% क्षेत्रफल पर जो सिंचाई होता है, वो सिंचाई किसके द्वारा होता है? कुआं और नलकूप के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कुआं और नलकूप के द्वारा होता है। नलकूप वही बोरिंग, नलकूप किसको बोलते हैं? बोरिंग को। भारत का जितना भी सिंचित भूमि है, ये प्रतिशत याद रखिएगा, यूपीएससी पूछा इस बार, और जो यूपीएससी पीछे पूछ रहे ना, इधर का नया क्वेश्चन हो जाता है। यूपीएससी अगर 2010 में कोई क्वेश्चन पूछा है, तो बीपीएससी सर के लिए क्या क्वेश्चन होता है? नया होता है, ताजा होता है, वो क्वेश्चन रिपीट कर देता है, डायरेक्ट डाल देगा, नॉर्मल डाटा है, कोई बड़ा डाटा है नहीं। तो आपसे पूछेगा भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कुआं नलकूपों से सिंचाई होता है? 61.58। दूसरा आता है आपका 24.54% क्षेत्रफल पर। कितना प्रतिशत? 24.54% क्षेत्रफल पर भारत में जो सिंचाई होता है किसके द्वारा होता है? नहरों के द्वारा। किसके द्वारा? नहरों के द्वारा। और 2.2
2.98% क्षेत्रफल पर जो सिंचाई होता है किसके द्वारा होता है, तालाबों के द्वारा, किसके द्वारा, तालाबों के द्वारा। ज्यादा जो सिंचाई होता है किसके द्वारा, तालाबों के द्वारा, कितना प्रतिशत, 2.98% और 10.91% पर क्षेत्रफल पे जो सिंचाई होता है अन्य तरीकों से होता है, आप अलग अलग प्रकार से लोग कर लेता है जिस प्रकार से, समझ गए। आप देखिए जोड़िए 61.58% पे किससे, कुआं और नलकूपों से, 24.58% किससे, नहरों से, 2.98% किससे, तालाबों से, और 10.91% किससे, अन्य तरीके से। तो ये आपका डाटा याद रखिएगा, इस सारा का सारा आपसे पूछेगा। सबसे ज्यादा सिंचाई किसके माध्यम से होता है भारत में, सबसे ज्यादा सिंचाई किससे, कुआं और नलकूपों से, उसके बाद नहरों से, उसके बाद तालाबों से, अन्य तरीकों से, उसके बाद अन्य तरीकों से, और सबसे कम किससे होता है, तालाबों से। भारत में सबसे ज्यादा नहरों से जो सिंचाई होता है उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, किस राज्य में होता है, नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, और नहरों से भी और कुआं और नलकूपों से भी सबसे ज्यादा सिंचाई कहां में होता है, उत्तर प्रदेश में ही होता है। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा सिंचाई नहरों, नलकूपों और कुओं के द्वारा कहां में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरा, तालाबों से ज्यादा सबसे ज्यादा सिंचाई होता है तमिलनाडु में, कहां में होता है, तमिलनाडु में, तालाबों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां में होता है, तमिलनाडु से, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा किससे होता है, तालाबों से होता है सिंचाई। नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां में, और कुआं और नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां में, कुआं और नलकूपों से। सब लिखने में दीजिए, लिखिए लीजिए, पहले पहले क्या कीजिए, लिख लीजिए, लिखाते हैं, लिखा लिखो को पहले लिखा देते हैं फिर पढ़ाएंगे। अरे कॉपी से ज्यादा उससे अच्छा लिखा है ढेरी, एगो बुक बता देंगे आप जाके खरीद लीजिएगा, लिखने का भी कमी है, बिना लिखे हुए मिलता है ढेरी बुक है, जाइएगा 250 में सीधा हिस्ट्री पॉकेट में ले घूमिए पूरा, समझ गए। और उससे भी मन ना भरे, लिखने है ना, किताब खरीदे छाप लीजिए, फिर कॉपी एगो अपना किताब बना लीजिए, समझ, छापना है इस क्लास वाला सब थोड़े का है ना। चलिए देखिए, तो सबसे ज्यादा सिंचाई नहरों के द्वारा कहां में होता है, यूपी उत्तर प्रदेश में, तालाबों और कुओं के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में, तालाब कहते हैं, कुआं और नलकूपों के द्वारा यूपी में, और तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां में होता है, तमिलनाडु राज्य में होता है। सबसे ज्यादा सिंचित भूमि जो है, यानी मान लीजिए, समझ लीजिए, ये राज्य मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश का इतना गो राज्य, इतना गो क्षेत्रफल जो है, इतना बड़ा क्षेत्रफल पे क्या है आपका, सिंचाई होता है, सिंचाई का सुविधा उपलब्ध है, यानी यहाँ की भूमि क्या मिलती है, यहाँ पे फसल उपजता है, और यहाँ पे इसको पानी एकदम पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो इसी को जहां पे पानी मिल गया इसको हम क्या बोलते हैं, सिंचित भूमि बोलते हैं, जहां पे सिंचाई हो सकता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंचित भूमि बोलते हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश है सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल में है, सबसे ज्यादा सिंचित भूमि किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, सबसे ज्यादा सिंचित भूमि कहां में है, उत्तर प्रदेश। देखिए आप लोग कुछ सोचिएगा, कुछ नहीं लो जी, दिमाग ये नहीं लगाना है, हम कहते हैं नलकूप, एकदम नलकूप या कुआं आप कहां खोदिएगा, आप पहाड़ पे जाके खोदिएगा कभी, नलकूप बोरिंग लगाइएगा पहाड़ पे नहीं, मैदानी क्षेत्र में आपका उत्तर प्रदेश है, और मैदानी क्षेत्र में नदी बहुत सारा है, तो नदियों के किनारे आप थोड़ा सा बोरिंग लगाइएगा पानी निकलने लगेगा, तो नलकूप तमिलनाडु में लगेगा, पठारी क्षेत्र में लगेगा, बिल्कुल नहीं, एकदम पूरा दिमाग में लॉजिक लगाना है, जहां मैदानी क्षेत्र रहेगा, जहां नदियां रहेंगी वहां आपका क्या रहेगा, नलकूप लगेगा, और जहां नलकूप वहां कुआं, आपको बोलेंगे पहाड़ पे वो कुआं खोदिए, खोदते खोदते 3-4 साल बीत जाएगा, बीतेगा ना, तो पर भी पानी मिलेगा नहीं। तो दक्षिण भारत जितना भी सारा का सारा कैसा है, पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र ऊंचा समतल भूमि है, पहाड़ों का बोले ना पठारी, दो पर्वतों के मध्य ऊंचे वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं, लगभग 800 से 1000 मीटर की ऊंचाई में रहता है। तो वहां तो आप 800 मीटर पहले गहरा कीजिए पहाड़, फिर जमीन का लेवल मिलेगा, उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, चट्टान पाया जाता है, तो उधर तो आप कल्पना कर सकते नहीं है, सिंपल सा बात है। तो उधर कुआं और नलकूप होता है, कुआं नलकूप हमारे उत्तर प्रदेश जितना भी समतल भूमि वाला राज्य है ना, मैदानी क्षेत्र वाला, उसी में, और इसमें सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा, उत्तर प्रदेश। तो सब चीज को हमें उत्तर प्रदेश में, अब जहां नदी ज्यादा रहेगा वहां की भूमि सिंचाई ज्यादा होगी कि नहीं, तो सबसे ज्यादा सिंचित भूमि कहां में, उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज्यादा असिंचित भूमि जो है महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य में।
किस राज्य में? महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य में सबसे ज्यादा आपका असिंचित भूमि है। और सिंचित भूमि मतलब यहाँ की भूमि बंजर रह जाती है, यहाँ की भूमि को पानी मिल ही पाता नहीं है। राजस्थान राज्य आप जानते हैं, राजस्थान राज्य में थार मरुस्थल है, आधा से अधिक हिस्सा तो उधर चले गया, उधर तो पानी मिलता ही नहीं। अगर पानी मिलता तो मरुस्थल काहे होता तब, समझ गए? तो मतलब राजस्थान राज्य और महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा कैसी भूमि है? असिंचित भूमि है। लेकिन प्रतिशत के आधार पे सिंचित भूमि सबसे ज्यादा पंजाब में है। प्रतिशत के आधार पे सबसे ज्यादा सिंचित भूमि कहां में है? पंजाब में है। पंजाब का लगभग 97% जमीन, पंजाब का कितना प्रतिशत जमीन? 97% जमीन सिंचित है। यानी यहां के 97% जमीन पे क्या होता है? जल की प्राप्ति हो जाती है। अब आइएगा, पूछेगा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा सिंचित भूमि किस राज्य में? उत्तर। सबसे ज्यादा सिंचित भूमि किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। थोड़ा सा समझिएगा, इतना बड़ा है उत्तर प्रदेश, समझ लीजिए, और इतना बड़ा है पंजाब, समझिएगा। तो इतना बड़ा क्षेत्रफल पर उत्तर प्रदेश का क्या है? सिंचित भूमि है, यहां जल प्राप्त हो जाता है। और पंजाब इतने वो का है, लेकिन इतना बड़ा क्षेत्रफल पे पानी मिल जाता, इतनी वो क्षेत्रफल पे न मिलता। 97% होगा ना? अब बोलिएगा, आप ही लोग बोलिएगा, सबसे ज्यादा सिंचित भूमि किसके पास? इसके पास ज्यादा सिंचित भूमि है किसके पास? पंजाब के पास है। सबसे ज्यादा सिंचित भूमि किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास। लेकिन प्रतिशत का हिस्सा निकालें, किसका होगा? प्रतिशत का अगर हिस्सा निकालें तो पंजाब का मैक्सिमम क्षेत्रफल है ना, तो पंजाब का मैक्सिमम क्षेत्रफल क्या है? सिंचित है। आपसे पूछेगा प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा सिंचित भूमि कहां में? पंजाब में। प्रतिशत के हिसाब से कितना? इसमें पंजाब में। और 97% पंजाब की भूमि क्या है? सिंचित है। और अगला, सबसे ज्यादा आपका सिंचित भूमि उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा और सिंचित भूमि महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों। तालाब से सिंचाई तमिलनाडु में, नहरों से सबसे ज्यादा, नलकूपों से, कुओं से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां में? उत्तर प्रदेश में। कुआं और नलकूपों से सिंचाई कितना प्रतिशत? 1.58। नहरों के द्वारा 24.54। तालाबों के द्वारा 2.98। और अन्य के द्वारा 10.91% क्षेत्रफल पर क्या होता है? सिंचाई होता है। क्या बिहार का? बिहार वाले सब बना देंगे कच्चे। अच्छा, बिहार का पूरा का पूरा डाटा सिंचाई वाला, इसका लेटेस्ट डाटा आप याद रखिएगा। सर आपको करंट अफेयर पढ़ाते हैं ना, उनको बोलिएगा सर आप कृषि का परिदृश्य सब बताइए, समझ गए? नहीं तो हम पढ़ा देंगे तो और क्या करेंगे। क्या बोले? ये आपका करंट अफेयर का सारा सेक्शन होगा। क्या करंट अफेयर सर ने पढ़ा है क्या? ये बिहार का टच करते हैं करंट अफेयर क्या? बिहार दो दिन से नहीं हो रहा है, मैथ भी नहीं हो रहा है। नहीं जी, मैथ वन।